वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे खालसा जी, मैं सुखदेव सिंह सुखा, पिंड कंसाला, जिला मोहाली। सो हुण जिहड़े मेरे वीर बहुत दूर दूर तों देखो दवाई वास्ते आउण लग गए ने मेरे कोल, सो मैनू भी इन्नी दवाई तैयार करनी बहुत औखी हो गई हुण। सो इस वास्ते बठिंडे तक, अमृतसर तक, इधर काठगढ़, नवांशहर, लालड़ू, बलाचौर, सारे जिन्ना भी इलाका, सारा इलाका आउण लग गया। सो मैनू बड़ी, सो वीरो एक तो मैं खाली नहीं मुड़ सकता कि इन्हों बड़ी दिक्कत आँदी जब दवाई तैयार इन्नी नहीं होंगी मेरे को। सो दे वास्ते सारे वीर सुबह खाली पेट खाना खाने तो घंटा डेढ़ घंटा पहला दूजा चमचा देना, शाम को शाम का खाना खाने तो घंटा डेढ़ घंटा पहला। सो जदों दवाई देनी है ये नाल आपां ने थोड़ा जिहा मिठा देना है, गुड़ जां शक्कर जां पतासा, चीनी नहीं देनी, चीनी ना दिओ। सो गैल आपां पानी का घुट दो घुट पी सकते हैं। सो इस बूटी को तैयार करके अपन ने फ्रिज के रखना वीरो। सो किसी भी मेरे वीर का बुखार नहीं टुटता, सैल घटते हैं, खून नहीं बनता, लत्तां बाहां थकियां महसूस करते हैं, पाटियां जन्नियां तकलीफ होंदी है। सो उन्हां चारे बीमारियों वास्ते ये इक्को बूटी काम कर रही है। सो सारे वीरों हत्थ बन के बेनती है कि बार बार देखो, मैं इन्ने बंदे नूं नहीं सांभ सकता सारे पंजाब नूं। सो इस वास्ते तुसीं मेरे वीरो आप दवाई तैयार कर सकते हैं। सो मेरी सारी रिकॉर्डिंग सुन के तुसीं आप दवाई तैयार करो। गरंटी है किसी का खून ना बनता हो, खून बनेगा जिदे सैल घटते हैं। 5 तो 6 खुराक ही देनिया, फालतू खुराक नहीं मेरे वीर किसी को भी देनी। बहुत ज़्यादा ताकत है दवाई के, एक चमचा सुबह एक चमचा शाम को, 3 दिन देनी लगातार। टाइफाइड वाले को सिर्फ 3 तो 4 खुराक 2 दिन देनी है। सो जिदा खून नहीं बनता उन्हें भी 6 खुराक, जिदे सैल घटे हुए उन्हें भी 6 खुराक। सो ये तो वध नहीं ले सकते अपन, इन्हों बहुती ना लियो। हाथ बन के बेनती वीरों के आप बूटी तैयार करके चटनी बना के छको तो अपने मरीजों को बचाओ वीर बन के। सो सारे वीरों हाथ बन के बेनती है कि जरूर मेरे वीर कोई ना कोई सेवा शुरू करो ये बूटी की, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।